रात को 2-2 बजे फोन, मैं घबरा जाती थी, डर जाती थी। हाँ तुम्हारे चीन कितने सुंदर हैं, अरे तुम्हारे लेग्स कितने अच्छे हैं। तो बार बार मेरे बैक में मतलब यू नो हाथ लगा दे, मेरे थाइस पे हाथ लगा दे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में जो तूफान आया है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि सोनू निगम ने एक वीडियो के जरिए बॉलीवुड के म्यूजिक इंडस्ट्री माफिया पर निशाना लगाया है। उन्होंने कहा था कि किस तरह ये म्यूजिक इंडस्ट्री के जो माफिया हैं ये सिंगर्स का, म्यूजिक डायरेक्टर्स का करियर खत्म कर देते हैं और कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है। इसमें कई फिल्म स्टार्स भी शामिल हैं, लेकिन उस वीडियो में उन्होंने कोई नाम नहीं लिया था। आज जो नया वीडियो सोनू निगम का आया है, ट्रेंड कर रहा है पूरे दिन, उसमें उन्होंने सीधा सीधा म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार का नाम लिया है। ना सिर्फ नाम लिया है बल्कि उनको चेतावनी दी है कि वो सोनू निगम से पंगा लेने की कोशिश ना करें। सोनू निगम ने उन्हें पुराने दिन याद दिलाए हैं, वो दिन जब सोनू निगम के मुताबिक भूषण कुमार उनसे मदद मांगने आते थे। वो कहते थे कि मेरे लिए एल्बम बना दो, वो कहते थे कि मुझे बड़े लोगों से मिलवा दो, जिसमें उन्होंने स्मिता ठाकरे का नाम लिया है, बाल ठाकरे का नाम लिया है। ये भी कहा है कि जब गैंगस्टर अबू सलेम ने भूषण कुमार को धमकी दी थी तब भी वो सोनू निगम के पास ही मदद मांगने आए थे। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन वीडियो के आखिर में सोनू निगम ने एक लड़की का नाम लिया है, मरीना कुंवर, और कहा है, चेतावनी दी है भूषण कुमार को कि अगर तुम नहीं संभले तो मरीना कुंवर का वीडियो जो कि सोनू निगम के पास है वो उसको यूट्यूब पर पोस्ट कर देंगे। मरीना कुंवर याद है ना? मरीना कुंवर याद है? वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने YouTube चैनल में डाल दूंगा। तो सुना आपने सोनू निगम को, मरीना कुंवर का वीडियो है उनके पास, ऐसा बोल रहे हैं वो, और भूषण कुमार को चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि मरीना कुंवर हैं कौन? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मरीना कुंवर की हैं, जो एक मॉडल और टीवी एक्ट्रेस हैं। मरीना ने टीवी सीरियल जग्गू दादा, शपथ, CID जो सोनी टीवी पर आता था, आहट, ऐसे कई सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं मरीना कुंवर। तो मरीना साल 2018 में सुर्खियों में आई थी क्योंकि उन्होंने निर्देशक साजिद खान और टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उस वक्त बॉलीवुड में मीटू चल रहा था, मीटू आंदोलन, और एक के बाद एक कई नाम सामने आ रहे थे। उसी में मरीना एक कैमरे के सामने आई थी, एक टीवी चैनल के कैमरे के सामने, और उन्होंने खुलकर बाकायदा नाम लिया था साजिद खान का और भूषण कुमार का। भूषण के बारे में मरीना का कहना था कि वो भूषण से काम मांगने गई थी तो भूषण कुमार ने उन्हें एक घर में बुलाया, वो घर जिसमें कोई नहीं था, और उस घर में भूषण ने मरीना का यौन शोषण करने की कोशिश की। ये खुला खुला इल्ज़ाम मरीना ने उन पर लगाया था। यौन शोषण के ये आरोप सिर्फ साजिद खान और भूषण कुमार पर ही नहीं थे, मरीना उससे पहले गुरमीत बाबा राम रहीम पर भी ऐसे ही आरोप लगा चुकी हैं। बाकायदा एक वीडियो जारी करके मरीना कुंवर ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के अय्याशियों का भी खुलासा किया था। ये तब की बात है जब राम रहीम को जेल भेज दिया गया था, उसके बाद मरीना कुंवर ने राम रहीम की करतूतों का चिट्ठा खोला था। राम रहीम पर आरोप लगाते हुए मरीना ने कहा था कि राम रहीम ने उन्हें फिल्मों में काम देने का वादा किया था और इसके बाद उन्हें गलत तरीके से छुआ था और अपनी गुफा में भी ले गया था। रात को 2-2 बजे फोन, मैं घबरा जाती थी, डर जाती थी कि बाबा मतलब यू नो बार बार बुलाए, बाकी को बोलता था अच्छा मरीना बेटी किधर है, उसको लेके आओ होटल में, मुझे स्क्रिप्ट सुनानी है, वो बेटी को बस मैं चाहता हूँ मेरा आशीर्वाद बना रहे। बार बार बोले हाँ तुम्हारे चीन कितने सुंदर हैं, अरे तुम्हारे लेग्स कितने अच्छे हैं, इतना वर्कआउट करती। इसके अलावा मरीना मशहूर टीवी शो बिग बॉस में भी ऋषभ और प्रिंस नरूला के साथ एक एपिसोड में नजर आई थी। बीच में ये चर्चा भी उठी थी कि वो अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म में हीरोइन बनकर आई हैं, लेकिन वो खबरें गलत साबित हुई। यानी मामला सिर्फ आरोपों तक ही रह गया था, कुछ साबित नहीं हो पाया था भूषण कुमार के खिलाफ। लेकिन अब जो सोनू निगम इशारा दे रहे हैं उसमें वो दोनों बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मरीना कुंवर ने आरोप लगाया था, और दूसरी बात कह रहे हैं कि उसके बाद माफिया ने क्या किया था। तो पूरा खुलासा और पूरी बात तो सोनू निगम को ही पता होगी, वो किसी वीडियो का जिक्र भी कर रहे हैं, वो वीडियो भी जब आएगा तब उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन जाने अनजाने मरीना कुंवर का मामला, जो एक साल पहले भी चर्चा में आया था, अचानक सोनू निगम के बहाने फिर चर्चा में आ गया। लेकिन इस
पूरे हंगामे को समझिए, हंगामा वही है जो सुशांत सिंह की मौत के बाद शुरू हुआ है और एक एक करके इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। नेपोटिज्म भी आ रहा है, मीटू का भी मामला आ गया और किस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे वो म्यूज़िक हो या फिल्म स्टार्स हों या सिंगर्स हों, इन सब के अंदर जो माफिया एक चल रहा है और जो बाहर से आने वाले लोगों के टैलेंट की कदर नहीं करता, जिसकी वजह से सुशांत सिंह जैसा हादसा होता है, उस हादसे की भी चेतावनी दे चुके हैं सोनू निगम। लेकिन आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब सीधा सीधा नाम लेके उन्होंने भूषण कुमार को भी चेतावनी दे दी थी। एबीपी न्यूज़ ने भूषण कुमार का पक्ष जानने की भी कोशिश की इस मामले में, लेकिन वो इस मामले पर रिएक्ट नहीं करना चाहते। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।